विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से पुराना काटोल चौक पर बिजली के बढ़ते दाम को लेकर आंदोलन किया गया। इस वक्त पृथक विदर्भ का नारा भी लगाया गया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से भव्य आंदोलन पुराना काटोल चौक रोड पर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। बिजली के दाम कम होना चाहिए, कृषि पंप की हो रही है लोड शेडिंग पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और कृषि पंप के ज्यादा लगकर आने वाले बिजली के बिल से किसानों मुक्त करें। स्थिर आकार मीटर की दर, बिजली कर आदि पर अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं, उसकी रोकथाम हो। साथ ही विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में रहकर विदर्भ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार देने में सरकार असफल दिखाई दे रही है। कर कर्ज नहीं देंगे, बिजली का बिल भी नहीं देंगे, ऐसी घोषणा देते हुए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने इन बीसीएन समक्ष जानकारी दी। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज जूना जो काटोल रोड है, जो चौक है, वहाँ पे एक धरना आंदोलन किया जा रहा है। आखिरकार बिजली के बिल इतने महंगे तरीके से आखिरकार लोगों को क्यों आ रहे हैं, इस बात को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के तमाम पदाधिकारी है, ये पिछले कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दूर दराज से भी कई लोग आए हुए जिन्हें काफ़ी बिजली के बिल आए हुए। इस समय हमारे साथ में नेवले साहब है, उनसे भी सबसे पहले जानना चाहेंगे। सर ये बताइए आंदोलन क्यों किया जा रहा है? विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से विदर्भ के जनता को जो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं उसके विरोध में ये आज धरना प्रदर्शन आंदोलन है। हमारी डिमांड है कि विदर्भ के जनता ज़्यादा से ज़्यादा बिल दे रही है, पानी हमारा गया है, ज़मीन हमारी गई है, कोयला हमारा गया है, प्रदूषण भी हमें मिला है, इसलिए हम ज़्यादा का बिल नहीं देंगे। बिजली के दाम जो है उसका लागत मूल्य 2.50 रुपये प्रति यूनिट है और हमसे 6 रुपये से तो 11.5 रुपये तक वसूल किया जाता है, फिर भी इतना वसूल करने के बाद भी 53,000 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को घाटा है और ये बिजली बोर्ड का घाटा भरने के लिए हमारे ऊपर में कंटिन्यू बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और 20% तो अभी और प्रस्ताव आया है बिजली का दाम बढ़ाने का। अब हम ये बिजली के दाम बढ़े हुए नहीं देंगे। हमने अभी एक आंदोलन चालू किया है कि कर कर्जा नहीं देंगे, बिजली के बिल भी नहीं देंगे। विदर्भ की जनता अब जब तक बिजली के दाम आधे नहीं होते हैं, जब तक किसानों की बिजली मुफ्त नहीं होती है, जब तक विदर्भ का लोड शेडिंग खत्म नहीं होता है, तब तक बिजली के दाम नहीं भरेंगे, बिजली के दर नहीं भरेंगे, ये हमारा आंदोलन है। सर आप बताइए कि अगर सरकार ने आपके मांगों को अगर पूरी तरह से दरकिनार कर दिया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति ये है कि इस बिजली के मालिक कौन है, ये हमारे जमीन पर हमारे पानी से हमारे ही कोयले से बिजली बन रही है तो आप विदर्भ की जनता इसके मालिक है और महाराष्ट्र सरकार ने हमारी परमिशन लिए बगैर ये रेट बढ़ाना ये हमको मंजूर नहीं। हम आवाहन करते हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जो हमारे मित्र है, जो विदर्भवादी है और नागपुर जिले के पालक मंत्री है, हम उनको विनंती करते हैं कि पहले हमारे साथ चर्चा कीजिए। ये सारी जो हमारे बहने भाई सब बैठे हैं ये बिजली के मालिक है तो हमारे साथ चर्चा कीजिए और फिर जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने सिद्ध करके बताना चाहिए कि क्यों भाव बढ़ रहे हैं और जब हमारा कोई कसूर नहीं है तो भाव क्यों बढ़ रही है। और ये छपा हुआ है कि दिल्ली में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में 1/3 बिजली के रेट है तो हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे कि बिल आधा कम करो तो हम तो 50% मांग रहे हैं, उधर तो और कम है, तो हमको जवाब सरकार से चाहिए क्या कि बिजली के दर क्यों कम नहीं हो रहे। बस इस समय में शहर के एक ऐसे प्रख्यात अधिष्ठाता वकील साहब है संन्याल साहब, उनसे जानना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले जी के कहने से पूरी तरह ये करता हूँ और मेरा कहना ये है कि अगर दिल्ली सरकार बिजली के दाम कम कर सकती है गरीबों के लिए, अगर छत्तीसगढ़ सरकार बिजली के दर कम कर सकती है, जिस तरीके से बिजली पैदा हो रही है, जिस कोयले से और जिस पानी से, उसका यहाँ का मालिक तो यहाँ का आदमी है, विदर्भ में रहने वाला इंसान है, तो विदर्भ में बिजली के दरों को कम क्यों नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर एक बहस हो।
आज तक कोई बहस करने को तैयार नहीं है। अगर बहस होती है तो ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं, लोगों को पता चल सकता है कि बिजली जो उनको मिलती है वो काफ़ी कीमत से मिलती है और उसकी कीमत जो उनको चुकाना पड़ रहा है यहाँ विदर्भ के लोगों को, उसका मज़ा बाकी सब महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने जो जानकारी दी, इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा और महाराष्ट्र है, ये तमाम जगहों पे मैंने महाराष्ट्र को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे जो बिजली की जो दर है वो काफ़ी कम है, ऐसे में महाराष्ट्र विदर्भ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए नज़र आ रही है और ऐसा इनका मानना है, इसलिए विदर्भ राज्य पृथक, विदर्भ अलग होना चाहिए, ऐसी भी मांग इन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इनकी मांगों को पूरा करते हैं या फिर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के ये तमाम आंदोलनकारी फिर से एक बार आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, एनबीसी न्यूज़ नागपुर। कर्जा नहीं देंगे, नहीं देंगे।